तो हाय गाइस, मैं विवेक और आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया फ्रेश वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए ओएस के बारे में, जो कि है दोस्तों फूसिया ओएस। जी हाँ दोस्तों, एक फूसिया ओएस एक नया कॉन्सेप्ट है गूगल की तरफ से। तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ सवालों के बारे में इस ओएस से रिलेटेड, कि कब ये इंडिया में आएगा, कौन कौन से डिवाइसेस में कंपैटिबल होगा और क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं हमें इस ओएस में। तो ये सब सवाल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें हम सब की दोस्तों, तो हम सब भी एक एंड्रॉयड यूज़र रह चुके हैं काफ़ी साल से दोस्तों, और देख चुके हैं कितना सारा वर्जन निकल आया है एंड्रॉयड के इसी कुछ साल में। मैंने पहला डिवाइस यूज़ किया था एंड्रॉयड का, जो था दोस्तों की जेली बीन बेस 4.00 वर्जन वाला। तो उसके बाद दोस्तों एंड्रॉयड ने काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड वर्जन निकाल दिया है और एक अपना एम्पायर सा खड़ा कर दिया। तो इसके बावजूद भी दोस्तों एंड्रॉयड में कुछ कमियां हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसको पूरा करने के लिए गूगल ने नया जो ओएस बनाया है उसका कमी पूरा कर देगा दोस्तों। तो बात करें कमियों का, तो दोस्तों उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सीमलेस कनेक्टिविटी में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड तो आप जानते ही हैं कि हमें फ़ोन में ही देखने को मिलता है, सारे डिवाइसेज में अभी तक अडेप्ट नहीं हो पाया था एंड्रॉयड। तो शायद फूसिया ओएस आके इस कमी का पूरा कर देगा। सबसे पहले एंड्रॉयड बनाया गया था एक्चुअली DSLR कैमरास के लिए दोस्तों, स्पेशली डिजिटल कैमरास के लिए। तो बाद में इसको फ़ोन ने अडेप्ट कर लिया गया और फ़ोन में काफ़ी मक्खन की तरह चलता था, तो दोस्तों इसी को रखा गया। अभी देखा जाए तो ऐसे ही कुछ कमियां निकल के आया, इसमें मेन कमी है सीमलेस कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसी को पूरा करने के लिए, ये सब कमी को पूरा करने के लिए गूगल ने लॉन्च किया फूसिया ओएस, जिसके ऊपर गूगल बहुत ही सालों से काम कर रहा है। और दोस्तों अभी भी काम पूरा बाकी है, अभी भी काम चल रहा है इस ओएस के ऊपर दोस्तों। बात करें फूसिया ओएस किस लिए बनाया गया था, दोस्तों फूसिया ओएस ऐसा डिज़ाइन करके टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है जो कि आपके सारे डिवाइसेज में अडेप्ट हो सके, ना कि आपके मोबाइल फ़ोन में। दोस्तों आपके छोटे से स्मार्ट बल्ब से लेकर वॉच से लेकर साफ़ी जितना भी आपके स्मार्ट चीज़ें से घर में, उसमें सब ओएस आ जाएगा दोस्तों। इसका नाम होगा फूसिया ओएस। तो ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करके गूगल ने बनाया है फूसिया ओएस, जो कि हर डिवाइसेज में अडेप्ट हो जाए। तो बात करें जैसे कि ये ओएस किसके ऊपर रन करता, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा एंड्रॉइड रन करता था कर्नल लिनक्स के ऊपर। तो दोस्तों ये रन करने वाले एक नया टेक्नोलॉजी जो नाम है ज़िरकॉन नाम का, एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये काम और वर्क करने वाला है दोस्तों। अगर एप्लीकेशंस की, तो दोस्तों कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिना एप्लीकेशन का तो चल ही नहीं सकता। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है उसमें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो ऐप्स ही हमारा जो है एक पिलर टाइप का है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजफुल चीज़ बना के रख देता है। तो ऐप्स की बात करें तो दोस्तों फूसिया ओएस में गूगल ऐप्स रन करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गूगल के जो ऐप्स है सारे एंड्रॉयड के ऐप्स रन करेंगे, क्योंकि ये फूसिया ओएस रन करता है और सपोर्ट करता है फ्लटर वाले टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि वो सारे ऐप्स को अडेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसमें कोई ऐप्स का दिक्कत नहीं आ रहा, तो इसमें सारे ऐप आपके अच्छे से काम करने वाले हैं एंड्रॉयड वाले ऐप्स के साथ। ये अब ओएस कब आएगा इंडिया में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये अचानक से एंड्रॉयड को रिप्लेस कर देगा और डायरेक्ट आपको आने वाले डिवाइस में फूसिया ओएस देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तो कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं एंड्रॉयड क्यू को लेकर, तो अभी तो दोस्तों ऐसा कि नहीं है कि ये रिप्लेस कर देगा डायरेक्ट। तो हो सकता है आपको धीरे धीरे जैसे एंड्रॉयड में ही कुछ इसके फीचर्स देखने को मिल जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको एंड्रॉयड को पूरा रिप्लेस कर देगा ये जो हमारा फूसिया ओएस, रिप्लेस कर देगा एंड्रॉयड को पूरी तरह से। शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमें कुछ आने वाले ईयर्स में फूसिया ओएस ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा में हमें कुछ लीक्स और इसके इंटरफेस का लीक्स जो निकल के आया और देखने को मिला है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ सिंपल सा इसका जो इंटरफेस वाला जो लुक होने वाला है निकल के आया है। गूगल ने ऐसा कुछ डिजाइन किया है जो कि एक सिंपलिसिटी के ऊपर बड़ा हाईलाइट करता है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यहाँ तक देख चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और सबसे जरूरी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, सब्सक्राइब करके जाना। जैसा कि एंड स्क्रीन लग चुका है, मेरा दो प्रीवियस वीडियो आपको इधर दिख रहा होगा और बीच में एक सर्कल आ रहा है, वो जो मेरा लिंक है चैनल का उस पर है, आप जाइए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।